तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विनीतम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ये भुरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर उनके साथ गृह भक्त के साथ जो वार्तालाप हुआ था वो बताने के उपरांत उनके जो त्यागी भक्त है उनके साथ भी उनका क्या संपर्क था, रिश्ता था, वो भी व्याख्यान कर रहे हैं। पूर्ण छोटे नारायण द्विज आशु इत्यादि पूर्णों के बारे में बता रहे हैं कि उनको नहीं देखने से बहुत व्याकुलता हो रहा है और एक दफे दर्शन करवा दो, मास्टर मशाई को बोल रहे हैं। और ये बताया पूर्ण भी ठाकुर को बोला है आपके लिए मेरा दिल में धड़कन आते हैं। ठाकुर आश्चर्य से प्रकाश कर रहे हैं कैसे इतना व्याकुलता है, वो तो उतना अंतरंग नहीं है, शायद ही कभी दक्षिणेश्वर जा पाते थे, घर वाले उनको पसंद नहीं करते थे ठाकुर के साथ आने के लिए। तो वही बात हम लोग चर्चा किया था कि यद्यपि उनके घर वालों अनुमति नहीं देते थे तथापि उनकी आकर्षण घटने के बजाय बढ़ते जा गया। यह है लौकिक प्रेम और पारमार्थिक प्रेम का फर्क। जो पारमार्थिक प्रेम होगा वो प्रतिक्षण परिवर्तनशील, एवर इंक्रीजिंग, और जागतिक प्रेम ऐसे नहीं है, वो घटते जाते हैं, इधर ईश्वर के प्रेम बढ़ते जाते हैं एड इन्फिनिटम। जीव के साथ ईश्वर के जीव प्रेम का ही फर्क है। एंड नो फिजिकल अट्रैक्शन कैन कम इन बिटवीन एंड कम एज एन इम्पेडिमेंट। ये है जो पूर्ण के एपिसोड में, इन लोग के एपिसोड में यही प्रमाण जो जैसे दूसरे भक्तों को ठाकुर के पास आने में कोई प्रतिबंधकता नहीं था, जो दूसरे थे शरद महाराज, शशि महाराज जितने थे सब अपनी इच्छा अनुसार, अधिकांश अपनी इच्छा अनुसार जाते थे, लेकिन इन लोग नहीं, तथापि इनके आकर्षण अटूट था। अर्थात कभी कभी जब हम लोग शिकायत करते हैं इस संसार का परिवेश में हमें भगवान को नज़दीक नहीं होने दे रहा है, ये गलत है, भगवान के प्रति आकर्षण मानसिक आकर्षण है, शारीरिक नहीं। अरे बराबर यही रीति है, जब चैतन्य अवतार में उनके अंतरंग पार्षद रूप सनातन जिसको नाम दिया था, जो दबीर खास और शाकिर अली में जो परिचित था मुर्शिदाबाद नवाब के दरबार में,
वो बहुत ही भक्ति भाव में आप्लुत हो गए थे। लेकिन वो लोग राजा का प्रधान कर्मचारी थे, उनकी बुद्धि विचार से ही नवा का बहुत दौलत मिला था। नवा को खबर मिल गया, इन लोगों का भी फकीर बनने के लिए चले जाएंगे, राजकार्य नहीं करेगा। तब इनको रोकने के लिए बंदी कर दिया। लेकिन तब भी उन लोग कौशल करके बंदी दशा का मोचन करके भागा। इसमें वैष्णव आचार्य गण जो टिप्पणी दिया है, जो कि स्वामी शारदाशनंद जी का श्री श्री चैतन्य देव ग्रंथ में लिखित हुआ है, इन लोग के पास सब कुछ था, अगाध ऐश्वर्य था, रूपसी भार्या था, पत्नी था घर में, नवाब का इतना अनुकूल्य, इतना प्रतिष्ठा प्रजागण का, सब कुछ था। लेकिन भगवत प्रेम इससे भी ज़्यादा है, इसमें जो टिप्पणी किया है इंद्र सम ऐश्वर्य स्त्री अप्सरा सम, एसब बांधीते नारी लेख जार मनो, दड़ीर बंधन तारे बांधिवे के मते। पुराना बांग्ला है, ऐश्वर्य इंद्र का जैसा है, भार्या अप्सरा जैसी सुंदरी है, कुछ कमियां नहीं है, लेकिन ये सब बंधन जिसको रोक नहीं सका, अभी नवाब को जो जंजीर, उसको कैसे रोक सकते हैं? प्रेम का आकर्षण इतना ही मजबूत है, भगवत प्रेम का आकर्षण इतना ही सुदूर प्रसारी है, जो कि भगवत ठाकुर के साथ अंतरंग भक्त का, त्यागी युवाओं का जीवन में हम देखते हैं। सबके लिए समान है, भगवान सबके लिए आकर्षण कर रहे हैं। जैसे हम उदाहरण दिया, लोह शलाकार चुंबक, जैसे साफ हो जाएगा लोहा, जब पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक स्वाभाविक वो भगवान का चुंबक में आकर्षण अनुभव करेगा। इससे हमें व्याख्यान मिलता है कि ठाकुर क्यों उनके जीवन में प्रतिकूलता खड़ा कर दिया। प्रतिकूलता रहने से आकर्षण और तेजी होता है, इसका चर्चा हम किए हैं। प्रतिकूलता ही अनुकूलता के सूचक है। अभी देखिए, जो नाटक जो मास्टर महाशय संयोग सूत्र है, घर वाले को पता चल गया, यार ये मास्टर ही तो ये इसका जड़ है, वही संपर्क करा दे रहे हैं। तब तो वो लोग क्या किया, वो स्कूल से उनको छुट्टी करा लिया, हटा लिया, तो विदड्रॉ द स्टूडेंट फ्रॉम द स्कूल। खबर ठाकुर के पास पहुंचा, ठाकुर ने थोड़ा व्याकुल हो गया, मास्टर मुझसे पूछ रहा है इस प्रसंग में, अच्छा तुम्हारा कोई नुकसान तो नहीं होगा कि तुम्हारे वजह से एक स्टूडेंट को स्कूल से हटा के ले गया? स्कूल से हटाने का अन्यतम कारण होता है कि इनकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो ऐसी नहीं है, ये भगवत मुखी हो गया, ये टीचर का अपराध है। तो मास्टर मुझे कहते नहीं, हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। ठाकुर कहने कैसे, अगर कर्तृपक्ष मुझे पूछता है, कर्तृपक्ष मतलब ईश्वरचंद्र विद्यासागर, उन्हीं का स्कूल है, अगर कर्तृपक्ष जो अथॉरिटीज़ हमें पूछता है कि क्या हुआ,
तो मैं बता दूंगा जी, आप लोग का जो दिया हुआ पाठ्य पुस्तक है, टेक्स्ट बुक है, वहाँ पर लिखा हुआ है कि ईश्वर को आंतरिक प्रेम से प्यार करोगे, ये तो विद्यासागर का जो पाठ है, पाठ्यक्रम है, जो रैपिड रीडिंग बुक्स सबको पढ़ाया जाता है, उसमें लिखा है ईश्वर को हृदय का प्रेम के साथ प्यार करोगे, कृत्रिम रूप से नहीं। तो अगर सत्संग करने से बच्चों के हृदय में ईश्वर के साथ अकृत्रिम प्रेम का रिश्ता बन जाए, ये तो अच्छा ही चीज़ है। आपको तो पाठ्यक्रम अनुसार में ही हम कर रहा हूँ, हम तो उल्टा नहीं किया, आई एम फॉलोइंग दी नॉर्म एंड द डिसिप्लिन ऑफ द स्कूल। तो ठाकुर ने हंसने लगा, देखो हो किसे अपने को संगत करके इज डिफेंडिंग, ये बहुत अच्छा चीज़ है। अगर कोई इसके लिए कोई छात्र को यहाँ से ले जाए तो ये तो हमारे लिए कोई अपराध नहीं है। ठाकुर कहते हैं जो छोटे नारायण जब मिला था कप्तान का कमरे में, घर में, तब छोटे नारायण को हम बोला चल तेरा घर कहाँ है मैं देख के आते हूँ। क्यों? कारण कभी कभी छोटे नन के साथ इनके इतना व्याकुलता हो जाता है कि कभी अवसर मिलने पर किसी के साथ आके उपस्थित होंगे। गॉड इज सो मच ईगर टू मीट हिज डिवोटीज दैट ही कैन नॉट स्टे अवे। यही ठाकुर बारंबार संकेत दे रहे हैं, भक्तगण कितने भाग्यशील है कि भगवान हर पल उनके लिए इंतजार करते रहते हैं। तो मैं बोला चल, तो छोटे नारायण तब नज़दीक में ही उनका घर में, छोटे नारायण तब ले जा रहे थे, लेकिन बहुत संकोच है, सावधान है। ठाकुर बोल रहे हैं कि उनके पिताजी ना इसका जानकारी हो जाए फिर पीटेंगे, तुम जिसके वजह से तुम्हारा मन उधर चले जा रहे हैं। इनको दुश्चिंता का कारण है कि श्री रामकृष्ण के साथ संपर्क होने से इन लोग कि मन ईश्वर अभिमुखी हो जाएगा, विषय अभिमुखी नहीं रहेगा। तो पिता माता चाहते हैं जी लोग संसार करें, संसार में फंसे, विषय कर्म करें, ईश्वर इनके जीवन में प्राथमिकता नहीं होना चाहिए, इसीलिए संग इनको विरोध हो रहा है। तो यही दुनिया का नियम है। तो अभी छोटे नारायण का ये उल्लेख करते हुए वहाँ जो दूसरा जो गृह भक्त उनके बारे में ठाकुर इंक्वायर कर रहे हैं कि एक अखिल बाबू था, उनका प्रतिवेशी, मास्टर लिखा है, मास्टर महाशय प्रतिवेशी, वो तुम्हारा प्रतिवेशी तो बहुत दिन आया नहीं, तो 7-8 महीने हम तुमको देखा नहीं। वो कहते नहीं 1 साल हो गया होगा। बोला अरे कहाँ चला गया, उसको बोलो इधर ले आओ, मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ। फिर बोले अच्छा और एक भक्त जाते थे उसको नहीं देखा, वो कौन है? तो बोला नीलमणि बाबू। तो क्यों नहीं आ रहा है ना, उसका कुछ करना पड़ेगा? नहीं नहीं उसको बोलो आ जाए। नाउ ही हिमसेल्फ इज ईगर टू मीट हिज हाउस होल्डर डिवोटीज। उन लोग भूल गए, ठाकुर बुला बुला के उनको दर्शन करा रहे ताकि उनको कल्याण हो जाए। अगर तो भगवान के नज़दीक में जाने से भगवान उनको आशीर्वाद कर सके, उनके मन को भगवत मुखी कर सके। ये सब जो संकेत ये हमारे अपने जीवन में अपनाना चाहिए, ये केवल पढ़ने के लिए नहीं, वी हैव टू इम्प्लीमेंट दीज ट्रूथ्स इन आवर लाइफ। जहाँ पर भगवान का निवास है, मंदिर है, देवालय है, जहाँ पर भगवान कृपा करने के लिए व्याकुल होकर विराजमान है, वहाँ पर बार बार जाना पड़ेगा, जाके प्रार्थना करना पड़ेगा। हम लोग अगर भगवान को दर्शन नहीं कर पाते हैं, कम से कम भगवान तो हमें देख पाएंगे।
तो भगवान को देखने के लिए, भगवान को आशीर्वाद करने के लिए तो अवसर देना चाहिए, हमें जाना पड़ेगा। वी हैव टू अप्रोच, वी हैव टू रीच। वो भी करने के लिए हमारा असुविधा है। और आजकल तो इंटरनेट की वजह से सब भक्तगण कहना चालू कर दिया, हम लोग इंटरनेट से संपर्क कर लेते हैं। फोटो में देखने से भगवान का छवि वो इफेक्ट नहीं होगा, भगवान के पास जाना पड़ेगा। भगवान दर्शन के लिए व्याकुल है, दिखाई जा रहा है घर में तो फोटो में वो देख सकते हैं, फोटो में से नहीं होगा। अभी जो कहा जा रहा है आश्रम में भक्तगण नहीं आने चाहते, जो हम लोग इंटरनेट से यूट्यूब में देख लेंगे, मंदिर का दर्शन कर लेंगे, आरती दर्शन कर लेंगे। जिसका असुविधा है, कोरोना काल था उस समय में ठीक है, अभी कोरोना का बहाने से अगर हम दूर हो जाए, ये हमारा दुर्भाग्य है। भगवान तो अपन खुला बैठे हैं, अभी बुला रहे हैं, कहाँ तुम्हारा अखिल बहु का प्रतिवेशी, उसका नाम भी किसी को पता नहीं, ठाकुर को पता है, बुला बुला के उनको, तुम लोग आ जाओ, मैं हूँ, कम ऑल ई दैट आर हेवीली लेडन, कम ऑन टू मी, आई शैल गिव यू रेस्ट। ये तो समसी की वाणी है, आह्वान है, ओपनली इन्वाइटिंग एवरीबडी, कौन, ऑल दैट आर हेवीली लेडन, जो संसार में इतना कर्म करते हुए परेशान में है, उनके लिए भगवान का अगाध चिंता, अगाध प्रेम उनको बुला रहे हैं। एक ओर से जैसे पूर्ण का घर में जाने के लिए व्याकुल हो रहा है, दूसरा ओर से जो साधारण गृह भक्त है उनके लिए भी वो व्याकुल है। ये कोई ना सोचे कि हम उतना पवित्र नहीं है, उतना काबिल नहीं है, उतना साधन भजन नहीं है, हमारे लिए भगवान का प्रेम कुछ कम है, ऐसे नहीं है। यूनिफॉर्मली ही इज़ इन्वाइटिंग, ही इज़ लविंग एवरी वन ऑफ अस। अब ये हमारा टर्न है टू रिस्पॉन्ड। अभी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण डिस्कशन हुआ, जो द्विजो था और एक त्यागी बच्चा भक्त है, वो बोल रहे थे, और एक भक्त आशु, आशु नहीं आ रहा है, तो आशु के पिताजी उनका ज़बरदस्ती करके शादी देने का तैयार कर रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं शादी करने के लिए। ठाकुर कहते हैं देखो देखो, जो शादी नहीं करने चाहते, विवाह नहीं करने चाहते, बलपूर्वक उसको शादी किया जा रहा है, तो ये एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, जो कि हमें सही ढंग से इसको मीमांसा हो जाना चाहिए, समाधान हो जाना चाहिए भक्तगणों के बीच। ठाकुर कभी नहीं बोला जाए कि इसको शादी नहीं करना है, जिसको जैसे रुचि है, जैसे संस्कार है, वो वैवाहिक जीवन यापन करे, लेकिन जो विवाह नहीं करने चाहते हैं उसको बलपूर्वक विवाह देना उचित नहीं है, उसमें हित में विपरीत होता है। इस विषय को स्वामी भूतेशानंद जी अपने किताब में विस्तृत चर्चा की है, क्योंकि वो संघाध्यक्ष थे, भक्तगण आते थे पारिवारिक समस्या को लेकर उनके पास, उन्होंने उल्लेख किया जब भक्तगण आते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप आशीर्वाद करिए कि मेरा बेटी को शादी हो जाए, तो जब पूछा गया इतना जल्दी में तुम व्याकुल क्यों हो रहे हो, कहते नहीं उसका विवाह हो जाए तो हम निश्चिंत रहेंगे, हम भारमुक्त हो जाएंगे। तो प्रश्न किया जाए शहीदांग से के भारमुक्त हो पाओगे, क्योंकि विवाह के बाद
फिर देखा कुछ गड़बड़ हो गया, बेटा को विवाह देने के लिए बहुत कातर है। फिर कुछ दिन बाद आके शिकायत कर रहे हैं कि बहू हमारे बेटा को पार कर दिया, हमारा हाथ का पार कर दिया और हमारे पास नहीं आते हैं। तो जिसको विवाह करने के लिए इतने व्याकुल थे, अभी उतना ही दुखी बन गया। फिर बेटा का नौकरी नहीं है, दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, बेटा का नौकरी नहीं है, ज़बरदस्ती करके उनको शादी करवा दिया। फिर उसके बाद में आके शिकायत कर रहे हैं, देखिए बेटा को शादी हो गया, अभी तक कुछ नौकरी नहीं कर रहे हैं, उसको कैसे चलेगा। तो ये पहले सोचना चाहिए था, और ये सब काल्पनिक घटना नहीं है, ये जोगिन महाराज के जीवन में ही हम देखते हैं। जोगिन महाराज कुछ नौकरी नहीं करते थे, छोड़ दिया, भगवान का भजन करते थे। तो उनको शमशान में फंसाने के लिए उनके पिताजी शादी करने के लिए बंदोबस्त कर दिया। वो बाहर में थे, उसको टेलीग्राम कर दिया, मादा सीरियस, कम इमीजिएटली, कम शार्प। तो माँ का बहुत प्यार करते थे, माँ का तबीयत संकटापन्न है, तो अभी संकटजनक अवस्था में तुरंत आके तुम शेष दर्शन आके कर लो। तो तुरंत ही चले आए, वो ऊपर में उधर था बाहर में, तुरंत आके देखा कहाँ यहाँ पर कोई रोग शोक का व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर तो एक शादी का बंदोबस्त चल रहा है। तो उन्होंने कहा ये क्या चल रहा है, मैंने तुम्हारा शादी का बंदोबस्त लेके बहाना करके, नहीं तुम तो नहीं आओगे, वो कुछ नौकरी नहीं कर रहे हैं, और बातचीत पक्का हो गया। तो माँ ने बताया ये तुम्हारा पिताजी की इच्छा, बोले नहीं हम तो पहले ही बता दिया मैं शादी नहीं करने वाला हूँ, मैं अकेले रहेंगे, ईश्वर कोटि है, तो संसार में कोई आकर्षण नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, तो बोले सीधा ना कर दिया। लेकिन माँ को बहुत प्यार करते थे। तो इसका विस्तार चर्चा लीला प्रसंग में स्वामी शारदानंद जी किए हैं, बड़ा रोचक प्रसंग है। फिर वो माता जी कहते हैं अमान माता खाओ, तुम्हारे बाबा जी कथा दिए छेन सेटर अन्न था को ना, बातचीत हो गया फाइनल, उसको नहीं आना खाए, उसको बहुत अपमान होगा, उसको मान बहुत अपमान होगा, तुम मान लो। तुमने बोला नहीं हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, शादी क्यों करेंगे। तब माता जी ने एक सलाह दिया, बुद्धि दिया, तुम्हारा प्रयोजन नहीं है, मेरे तो प्रयोजन है, मैं एक साथी चाहती हूँ जो हमें सहायता करेगा, तुम्हारा क्या आपत्ति है, तुम्हारा ज़रूरत नहीं है, ठीक है मेरा ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत को आप स्वीकार कर लो, तुम शादी कर लो, भले ही तुम नहीं रहोगे मेरा वो सेवा करेगी। बोले ठीक है, तुम्हारा अगर ज़रूरत है तो हमारा आपत्ति नहीं है, तुम्हारे सेवा के लिए सरल प्राण में स्वीकार कर लिया। तो शादी तो हो गया, लेकिन बहुत दुखी थे, क्योंकि उसके जीवन दर्शन के जीवन आदर्श के परिपंथी थे, और ठाकुर के पास जाना ना करते थे, त्यागी का ईश्वर है, जो इतना त्याग के बाद जिसको साथ किया, त्याग का मंत्र लिया, अभी शादी कर रहे, तो भगवान का विधान रूप से मान लिया। फिर जब शादी के बाद वो तो कोई संपर्क नहीं रहा, तो इन लोग देखे ये तो हित में विपरीत हो गया, और नौकरी भी नहीं कर रहे हैं। तब इनको जाके बताया उनके माता जी, देखो तुम तुम्हारा शादी हो गया, अभी तो परिवार प्रतिपालन करना पड़ेगा, कैसे चलेगा, और कम से कम परिवार का साथ रहा करो, इफ यू स्टे अवे ये तो कोई मैरिज संपर्क नहीं होएगा। तुमने बता, मैं तो पहले बता दिया ये मेरा कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपकी ज़रूरत था, आपके वचन अनुसार किया। तब माता जी ने बताया कि तुम्हारा मन में अगर इच्छा नहीं रहती, क्या सिर्फ मेरे लिए शादी किए हो, ये कोई होता है, संभव है, यू मस्ट हैव सम डिज़ायर हिडन विद इन यू, और जस्ट फॉर मी हैव यू मैरिड, इट्स नेवर पॉसिबल। ये सुनकर तब जोगिन महाराज कहते, अरे मैं तब समझ ले यही संसार है,
तब उनका चैतन्य हुआ, यही है संसार। मैं सचमुच शत प्रतिशत माँ की आज्ञा पालन करके शादी किया था, अभी हमारा जननी ही हमें बोल रहे हैं कि तुम अपनी इच्छा से शादी किए हो, तुम्हारा मन में वासना का मना था। तब उन्होंने बताया नमस्कार बहुत हो गया। तब ठाकुर कुछ बहाने से उनको बुला लिया। आज देखते ही उनको बहुत संकोच हुआ था, बोला हम कभी नहीं जाएंगे, हमारा वो शादी हो गया, मैं त्याग का जीवन से हट गया, भगवान के पास कभी नहीं जाएंगे। तो ठाकुर कुछ बहाने से बुला लिया, अनेक बार खबर दिया नहीं आया। ठाकुर का बहाना देखिए, एक बार कढ़ाई खरीदने के लिए कुछ पैसा दिया था शादी के पहले, उसके हिसाब वो वापस नहीं किया, चाराना पैसा बाकी था पेंडिंग। तब उन्होंने बताया ये कैसे लड़का है, हमारा चौवानी वो वापस नहीं किया, मार दिया। तो बोला अरे मेरा माता जी अभी शिकायत दे रहा है और मेरा गुरु जी भी हमें चोर बोल रहे हैं। मैं चौवानी पैसा वो सामान्य राजन जी का वंशधर है, इतना सामाजिक एवं पारिवारिक प्रतिपत्ति है, मैं अभी चोर बन गया आपका चाराना पैसा, हम जाएंगे चवन पैसे फेंक के हम चले आएंगे। ठाकुर बहाना दिया, पहले बहुत बार बुलाया पर नहीं गया, नहीं हम नहीं जाएंगे। तब जब ये आरोप लगाया तब गया चौने पैसा लेकर। तो जब लेके गया तो बोला अच्छा क्या क्या हुआ, बोले चौने पैसा, अरे राखो तुम्हारा चौने करके समाधि में चले गए। तो तज्जुब बन गए। फिर बताया यहाँ का कृपा होने से 1,00,000 शादी करने से कुछ नहीं होगा, ये ठाकुर का कृपा, कुछ नहीं होने वाला है। तब उनका भरोसा हुआ कि ये आपको त्याग नहीं किया, भगवान कभी भक्त को छोड़ेगा नहीं, सब समय वो हमको पकड़े हुए हैं। तो लेकिन ठाकुर इसीलिए तब देखा गया जी, त्यागी भक्तगण को जबरदस्त करके शादी के परिपंथी थे। माँ भी कहा करते थे इन लोग का भी स्वाबालिक हो गया, नाबालिक नहीं है स्वाबालिक है, इनको स्वाधीन चिंतन है, इनको चिंतन की भी मर्यादा देना चाहिए। जो पिता माता का इच्छा इनको वो रोक लगा के जबरदस्ती करके अपनी इच्छा अनुसार करने से सब समय फल आशानुरूप नहीं होता है। ये भक्तगण को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अभी भी ऐसे चल रहा है और सांसारिक विपर्जय हो रहा है, ये सब जो दृष्टांत है ये सामने रखते हुए हमारे अपना अपना जीवन भगवत मुखी कर लेना चाहिए, ताकि पारिवारिक जीवन में कोई विपर्जय ना हो जाए, असंतुलन ना हो जाए। ठाकुर चाहते हैं भक्तगण, त्यागी भक्तगण, गृह भक्तगण किसी हालत से अपने जीवन को भगवत मुखी करते हुए इस जीवन में ईश्वर दर्शन करें एवं जीवन सफल करें। इस प्रसंग का अभी अगली जो भी विस्तार है अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत, श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।